खा रहा हूँ आपका दोस्तों, हमारा आए दिन रेस्टोरेंट का चक्कर लगता ही रहता है, कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी फैमिली, कभी कुछ। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है किसी की रेस्टोरेंट का डिश हमें बहुत पसंद आता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ एक अपनी पसंद की डिश, जो मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उसकी शेयर की थी, जिसका नाम है पनीर लाहौरी। दोस्तों ये देखने में और खाने में जितनी अच्छी है उतनी ही बनाने में बहुत ईजी होती है। चलिए जान लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने प्याज लिया है, करीबन 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिसमें 7-8 कली लहसुन भी लिए हैं। टमाटर लिए हैं 2 मीडियम करीबन, उसमें हमने काजू बादाम करीबन 7 से 8 काजू बादाम लिए हैं। मिर्च ली है 3 से 4 मिर्च। अदरक लिया है 1/2 इंच का टुकड़ा। पनीर ले रखा है करीबन 200 ग्राम। दही लिया है दोस्तों मैंने करीबन 100 ग्राम दही है। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच। मेथी ली है करीबन 1 बड़े चम्मच। खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें मैंने 2 लाल इलायची, 2-4 लौंग, जावित्री और दालचीनी ली है। मसालों में दोस्तों मैंने धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार रखना है और तीखा खाते तो मिर्च रखना है। फिर दोस्तों झटपट शुरू करते हैं अपना पनीर लाहौरी बनाना। सबसे पहले जो मैंने दही लिया है उसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल लूँगा, थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मिला लूंगा इसे। ध्यान रखना दोस्तों दही खट्टा ना हो। अब दोस्तों जो मैंने पनीर लिया है, पनीर का 1-1 पीस हम इसमें डालेंगे, डिप करेंगे। अच्छा ये सभी पनीर के संग करना है। दही और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो गई है, अब टाइम है इसको फ्राई करने का। दोस्तों हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, इसमें 1-1 करके हमें पनीर में फ्राई करना है। ग्रेवी बना ली, सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल लिया है, गरम कर लिया है। तो तेल गरम हो गया हमारा, तेल में हमने जो खड़ा गरम मसाला था वो डाल लेंगे। दोस्तों इसको तेल में अच्छी तरह भून लेना है, जिससे एरोमा इसकी गरम मसाले की तेल में आ जाए, और उसको हमें फिर निकाल लेना है। प्याज काटी थी बड़ी, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें पीसना है इसको। प्याज, लहसुन, जो हमने टमाटर, काजू, बादाम, अदरक और मिर्च, हरी मिर्च ली थी वो भी डालनी है इसमें। से 5 मिनट इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह भून जाए और थोड़ी मुलायम हो जाए। दोस्तों
प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, टमाटर भी गल से गए हैं। दोस्तों इसको अब ठंडा करना है और ठंडा करके हमें ग्राइंड करना है। मैंने सेम कढ़ाई ले ली है फिर से, इसमें तेल डालूंगा। तेल गर्म हो गया दोस्तों, इसमें हम प्याज का जो हमने मिक्सर पीसा था वो डाल लेंगे। इसमें दोस्तों हम अपने मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, भी चला लेंगे इसे अच्छे से। तो इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। मेथी, मेथी दोस्तों मैंने बिना भूने डाल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको भून के डाल सकते हैं। ज्यादा नहीं डालनी है, हल्की रखनी है मेथी। लास्ट में दोस्तों हम पनीर डालेंगे। रेडी हो गई है, इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों आपकी सब्जी बनके रेडी है। आई होप दोस्तों आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। आपको ये सब्जी कैसी लगी आप जरूर मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अपने दोस्त शोभित को याद दें, अगली बार फिर किसी नई रेसिपी से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।